разворачивайся. सरलता, राजनीतिक आदर्श
Aí uma tá um pisraço que é muito trovoada, muito viraçante. Mas o professor Tangeri teve um pesadelo mitro, mas eu não estava um pisou cinta com o vinho não me cortava. सैद्धांतिक रूप से देखें तो मुझे लगता है कि तीन सिद्धांत जाल साहब के थे जो कभी वो नहीं मिले। मनुष्य के जीवन में कितना सुधार लाया जा सकता है। दूसरा, देश और विश्व में शांति और अमन की स्थापना कैसे की जा सकती है। और तीसरा, हर व्यक्ति को इज्जत से रहने का अधिकार कैसे मिल सकता है, उसे सही तरीके से कैसे पहुंचाया जा सकता है उस अधिकार को सामान्य आदमी। मुझे लगता है कि जीवन के इन तीन सिद्धांतों पर जाल साहब जीवन भर चले और कोई भी व्यक्ति खासतौर से सामाजिक और राजनीतिक जीवन में काम करने वाला व्यक्ति अगर इन तीन सिद्धांतों का पालन करता मैं मानता हूं कि उसका राजनीतिक जीवन पूरी तरह से सफल रहा है और जाल साहब उसके एक अप्रतिम उदाहरण है। एक घटना याद आ रही है, कभी किसी ने जाल साहब से पूछा कि राजनीति क्या है, तो जाल साहब ने कहा कि भाई हमारे देश में बड़े विचारक हैं, दार्शनिक भी बहुत हैं, जो शायद इस पर एक बड़ी किताब लिख सकते हैं, लेकिन अगर एक शब्द में मुझे कहना होगा तो मैं उसको समेट करके कहूंगा राजनीति का मतलब लोग। पॉलिटिक्स इज अबाउट पीपुल, लोगों का सुख, लोगों का दुख। इसके लिए जो सबसे सशक्त माध्यम है मैं समझता हूं वही राजनीति है। आम आदमी को सुख मिले, तकनीक का इस्तेमाल करके बजट एस्टिमेशन और एलोकेशन की मॉनिटरिंग सिस्टम को लागू किया है और हर प्रोजेक्ट पर जो खर्चा है वो सीधे जनता के बीच रखा जा रहा है, उसके फोटोग्राफ और वीडियो पब्लिक डोमेन में जो काम हो रहा है वो डाल दिया जा रहा है ताकि जनता बतावे कि ये हुआ है कि नहीं हुआ है। क्योंकि तो मैं ये तो दावा नहीं कर सकता लेकिन उस दिशा में पारदर्शी प्रक्रिया चले कुछ कदम हम लोगों ने यहां भी बढ़ाए। अभी उनके साथी यहां मुंबई की चर्चा कर रहे थे, मजदूरों का नेतृत्व करते हुए 8 मई 1974 को उन्होंने वही कहा था कि सबसे बड़ा मुद्दा है सामाजिक न्याय का, बाकी सब बातें हास्यास्पद है। तो निश्चित रूप से वहां एक नई क्रांति का जन्म हुआ था और वह सामाजिक न्याय है क्या? प्रशासन की जो व्यवस्था है उसमें जनता की पूरी भागीदारी हो ताकि उसकी दुख तकलीफें और उसकी जरूरतें उसके कल्याण के लिए किए जा रहे कार्यों में जनता की भी बराबर की भागीदारी हो। मैं समझता हूं सामाजिक न्याय यही है। कुछ लोग उस परिभाषा को दूसरे ढंग से संकीर्ण दायरों में ले जाते हैं, मुझे लगता है कि जाल साहब की यही परिभाषा थी जो मैं समझ सकता हूं। प्रशासनिक निर्णय जो लिए जाए उसमें जनता की आवाज हो और इसलिए मुझे लगता है कि गवर्नेंस का जो मूलभूत सिद्धांत है जिस पर जाल साहब बल देते थे वो यही है कि सरकार खुद चल करके जनता के पास जाए। ये ऐसे लोग थे जिन्होंने देश को आदर्श लोकतंत्र की दिशा में ले जाने का जीवन भर प्रयास किया। मजदूरों के अधिकार के लिए जिस तरह से लड़ाई उन्होंने लड़ी जीवन भर, अभी उनके एक साथी ने बताया कि मुंबई नहीं पूरा देश ठप हो गया था। आज उनकी पुण्यतिथि पर मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है, समाज के उत्थान, मजदूर और पिछड़े वर्ग के विकास में उन्होंने जो अमिट छाप छोड़ी है उसका कोई सानी इस देश में नहीं है। और मैं मानता हूं कि आज अगर मुंबई में मजदूर संगठन मजबूती से खड़ा है तो उसके पीछे भी जाल साहब की प्रेरणा। और हम गर्व करते हैं कि सामाजिक विषमता को आज देश काफी हद तक खत्म कर सका है और ये जब फर्नांडिस साहब के बगैर अधूरा होता है, उनके संघर्षों का ये परिणाम मैं मानता हूं। मुझे याद है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को याद करते हुए 70 के दशक में जाल साहब ने एक बार कहा था कि सामाजिक संघर्ष सिर्फ सामाजिक व्यक्तियों के ऊपर न छोड़ करके
उसे राजनीतिक संघर्ष के रूप में भी शामिल करना चाहिए, ताकि जो आम आदमी की समस्या है उसे प्रभावशाली ढंग से हल किया जा सके। यहां उपस्थित बहुत लोगों को मालूम है राजनीति और ब्यूरोक्रेसी में शुचिता या सादगी के लिए लोकपाल का आंदोलन बहुत लोग मानते हैं कि 2009-10 या 2011 में चला। मुझे लगता है थोड़ा पीछे जाइए, 1998 में जय साहब का जो लोकसभा का भाषण है, लोगों को स्मरण होगा, तो पार्लियामेंट के फ्लोर पर उन्होंने जो बात कही कि जो लोग पब्लिक ऑफिस में बैठे हैं उनकी जिम्मेदारी तय करने के लिए एक सशक्त लोकपाल होना चाहिए और इसकी आवश्यकता देश को। ये बात 1998 में सूचना के अधिकार की बहुत बात होती है, समानता में भी 10-15 साल की पैदावार है पैदाइश से। मुझे लगता है कि जाज साहब इसके भी जनक थे, ये देश के अनेक लोगों को ये बात मालूम होगी। और उन्होंने कहा था कि राष्ट्रीय सुरक्षा को बिना खतरे में डाले इस तरह की जो सूचनाएं हैं वो कानून बना करके सरकारी कामकाज में पारदर्शिता आवे इसके लिए आवश्यक है। जाज साहब ने शुरू में बात, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, एक बड़े देश के मशहूर शख्सियत या मशहूर हस्ती थी, जाज साहब से पूछा उन्होंने ये सिस्टम में जो समस्याएं हैं भ्रष्टाचार है वो कैसे खत्म हो। जाज साहब ने बड़ा दो टूक शब्दों में उत्तर दिया, बड़ा सीधा सा, और उसे मैं कहना चाहता हूं, उन्होंने जोर देकर के कहा पहला पारदर्शिता हो, ट्रांसपेरेंसी हो, दूसरा बड़ा आदमी हो या छोटा आदमी हो कानून के सामने दोनों समान हो। ये बात जाज साहब ने कही थी और उन्होंने ये भी कहा कि हिंदुस्तान के हर नागरिक को एक उसका अधिकार मिल जाएगा और वो देख सके कि सरकार का पैसा और जनता का पैसा कहां गया, किस काम के लिए दिया गया। उस दिन साफ सुथरी और पारदर्शी शासनिक व्यवस्था प्रशासनिक व्यवस्था इस देश में चल सके। और उनकी एक बात मैं जरूर इस मंच पर साझा करना चाहता हूं, उस दिशा में जम्मू कश्मीर में हमने काम करा, रिबेलियन का व्यक्तित्व तो था, बगावत का, विद्रोही स्वभाव का, ये झलक बराबर मिलती थी। और उन्होंने न केवल मजदूरों को उनका अधिकार दिलवाया बल्कि आपातकाल की चर्चाओं को मैं दोहरान नहीं चाहता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि संगठन और नेतृत्व तो क्या होता है ये देश ने उस समय महसूस किया। जंजीरों में जबड़े जाज साहब की तस्वीर ने पूरी राजनीतिक धारा को देश के नया मोड़ दिया था। लेकिन राजनीतिक व्यक्ति होकर के भी वो कभी उससे जकड़े नहीं थे, ये सबसे बड़ी विशेषता थी। समझे वो आप सबको मालूम है कि देश के तमाम राजनेताओं से उनकी गहरी दोस्ती थी। सदैव अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में वो केवल रक्षा मंत्री नहीं थे बल्कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के संयोजक भी थे, लेकिन वहीं तक वो सीमित नहीं थी दोस्ती, बाकी दलों के नेताओं से भी उनकी गहरी मित्रता थी। और उनका मानना था कि देश की उन्नति के लिए अगर सभी लोग मिलजुल करके काम करेंगे, विचारधारा के मतभेदों को छोड़कर के राष्ट्र के लिए काम करेंगे, तो ही देश आगे